isn't easy. Two hearts slowly breaking. Hello guys, welcome back to my channel. आज मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। हालांकि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई जो कि कह रहे हैं अप्रैल में स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट अलाउ कर रहे हैं, मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा ऑब्वियसली सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच ही गई होगी कि 1000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अप्रैल में बुला रहे हैं। तो गाइज़ फिर भी मुझे इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं कि बताओ क्या स्टोरी, आप भी वीडियो बनाओ। तो गाइज़ इसलिए मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, डाउट क्लियर कर देते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो गाइज आप लोगों को लग रहा होगा कौन से स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, तो मैं टू बी एग्जांपल अगर मैं बात बताऊँ तो जो डिप्लोमा टू डिग्री लेवल अपना परस्यू कर रहे थे यहाँ पे न्यूजीलैंड में, उन लोगों को आने देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि थोड़ा और डिटेल में अगर जाएँ तो जैसे कि डिप्लोमा के बाद यहाँ पे वेकेशन होती है, जैसे 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, जितनी भी वेकेशंस होती हैं जैसे भी, तो कुछ लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपनी होम कंट्री में जाना, अपने घर जाना कि यार मैं मेरी जो है स्टडी कंप्लीट हुई है और मैं डिग्री आगे करने वाऊँ, मतलब डिग्री करूँगा आगे 1 मंथ बाद, तो मैं घर जा जाता हूँ। तो गाइस वो लोग जो स्टक हो गए उस टाइम पे उन लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, डिप्लोमा टू डिग्री, ये मतलब है मेरे कहने का। तो गाइस उनको नहीं बुला रहे जिनके वीज़ाज लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिनके जैसे कि जो लोग ओवरसीज बैठे हैं और उनके वीज़ा लग चुके थे स्टूडेंट, पर वो यहाँ फर्स्ट टाइम एंटर नहीं हुए, उनको नहीं बुला रहे हैं। इसका जो लिंक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके फुल डिटेल पढ़ लेना ताकि आप लोगों को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो गाइज टू बी क्लियर, मैं आपको, आप लोगों को पता है मैं वीडियो जो लेके आता हूँ टू बी क्लियर वाली वीडियो लेके आता हूँ। तो 1000 को आने देंगे अप्रैल में, ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब 300 को आने देंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, 300 को तो आने देंगे और जो बाकी 700 है उनको आगे फॉलोइंग वीक्स या मंथ में जैसे ही खाली होगा इनके पास मैनेज आइसोलेशन का स्पेस, तब उनको लोगों को आने देंगे। और जो मैनेज आइसोलेशन की जो फीस है जो 31 पड़ जाती है पूरी फीस मिला के, तो $3100 वो सबके लिए ही नॉर्मल रहेगी मैनेज आइसोलेशन के लिए। तो गाइज अगर आप भी उनमें से कोई हो तो यू डोंट नीड टू अप्लाई, यूनिवर्सिटी खुद ही सिलेक्ट करेगी कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स थे जो परस्यू कर रहे थे डिप्लोमा टू डिग्री। तो गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट एंड गो टू अबाउट सेक्शन, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे मुझे फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई। और इमिग्रेशन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड से रिलेटेड सारी मैं इंफॉर्मेशन एज यू नो मेरी प्रीवियस वीडियो भी 18-19 वीडियो में डाल चुका हूँ, तो वो भी देखना। तो गाइज मैं ऐसी सी वीडियो डालता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thanks for watching my video. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending?